नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिन्मय गौड़ और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों, हमारे शरीर से लेकर हमारी दैनिक दिनचर्या तक या इस पूरी सृष्टि में ताल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे शरीर में धड़कन नहीं होगी, दिल धड़कता है ना, धड़कन रुक जाएगी तो क्या होगा, या स्पीड बढ़ जाएगी, स्लो जाएगी तो क्या होगा। वैसे ही आप रोज़ एक नियम में चल रहे हो, सुबह उठते हो, अगर वो बिगड़ जाएगा तो क्या होगा, परेशान हो जाओगे ना आप। वैसे ही अगर धरती जो है सूर्य के चक्कर काट रही है, वो रुक जाएगी तो क्या होगा, सब कुछ खत्म। वैसे ही संगीत में ताल बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो ताल है और क्या है। तो संगीत में ताल जो है वो अलग अलग मात्राओं के समूह से बनती है। हम समय को नापते हैं ताल के माध्यम से, समय को नापते हैं ताल के माध्यम से, समझ गए मेरी बात। ये तल धातु से बना है। तल धातु का मतलब क्या होता है? तल धातु का मतलब होता है बांधना, प्रतिष्ठा करना। तो दोस्तों, आपने राग तो गा दी, बजा दी, लेकिन किस पे बजाओगे, पीछे क्या, उसका सहारा क्या है, उसकी बैकबोन क्या है, कैसे बांधोगे उसको। तो उसको बांधने के लिए जो है ताल बहुत काम आती है। तो ताल जो है वो अलग अलग एलिमेंट से बनती है। जैसे चाय जो होती है, चाय किससे बनती है? चाय पत्ती से, पानी से, दूध से, अदरक से, तुलसी से और भी बहुत सारी चीज़ों से। वैसे ही ताल भी अलग अलग एलिमेंट से बनती है। मात्रा, मात्रा यानी कि बीट्स कितनी आ रही है, दो ध्वनियों के बीच का जो टाइमिंग है वो कितना आ रहा है, उसको मात्रा बोलते हैं। ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तबले में बिना मात्रा के ताल नहीं बन पाएगी, समझ गए। मात्रा क्या होता है? दो आवाज़ के बीच का जो टाइम डिफरेंस आ रहा है उसको मात्रा बोलते हैं, अंग्रेजी में बीट बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मात्रा आ गया, उसके बाद क्या है, उन मात्राओं पे बोल आते हैं और बोल इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से होते हैं। तो ये तबला आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने, तो तबले के बोल होंगे। पखावज में पखावज के बोल होते हैं, मृदंग में मृदंग के बोल होते हैं। तो जो ऐसे ताल वाद्य हैं उनके बोल होते हैं, उस पर ये बोल सेट होते हैं पहले से। उसके बाद उसमें कुछ नियम होते हैं कि कितना भराव देना है, कितना खाली होगा, कितना ताली होगा। खाली ताली का मतलब क्या होता है, नहीं पता? सब समझाया है मैंने किताब में। खाली ताली का मतलब ये होता है सर कि खाली में हम वजन को कम देते हैं, जो खंड है, जो बोल है, उसमें कम वेट आएगा। खाली मतलब क्या होता है? एम्प्टीनेस। और जो भरा होता है, ताली मतलब देखो कुछ भराव आ रहा है। तो ऐसे बोल उसमें तबले में बजेंगे जिसमें आपको भराव लगेगा, और खाली में आपको लगेगा कि बोल तो बज रहे हैं लेकिन उस ताली के मुकाबले उतने वैसे भारी बोल नहीं बज रहे हैं। अभी चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब समझा रहा हूं मैं आपको। हम तीन ताल को जानने वाले हैं आज, ठीक है। ये एक ऐसी ताल है दोस्तों, ये एक ऐसी ताल है जो सर्वाधिक प्रचलित है भारतीय संगीत में, है ना। अगर आप प्रारंभिक तबला सीखेंगे, संगीत सीखेंगे और एडवांस लेवल तक भी ये ताल चलती है, तो प्रारंभिक से लेके स्टेज वन से लेके लास्ट फाइनल स्टेज तक ये ताल चलती रहती है। और इसको बहुत यूज़ करते हैं छोटे ख्याल में, बड़े ख्याल में, अलग अलग गतों के अंदर। तीन ताल 16 मात्रा की होती है, ठीक है। मात्राओं के बाद इसमें फिर 16 मात्रा को चार भागों में डिवाइड कर दिया है। तो 1 2 3 4 का एक हिस्सा, 5 6 7 8 का एक हिस्सा, ऐसे चार भाग है उसके। और फिर इसमें जो ताली और खाली है, वेट कहाँ पे आएगा और वेट कहाँ पे नहीं आएगा। खाली कहाँ पे है इसमें? 9th बीट पे है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा जो करते हैं ना, क्लैप कर रहे हैं मतलब ताली करना, समझ गए। ऐसे कर रहे हैं तो खाली करना। तो तीन ताल में खाली कहाँ पे आएगी? 9th बीट पे आएगी। तो मैं नंबर्स गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये केवल बीट्स हैं, ताल नहीं बनी है। अभी मैं शब्द बोलूँगा, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा, बीट्स के ऊपर शब्द लग गए। अभी भी पूरी ताल नहीं बनी, अब वेट आएगा, है ना, खाली और ताली आएगी। तो उसमें आप समझ जाओगे सुनते, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन। तो देख रहे हैं दोस्तों आप कैसे धा पे वेट आ रहा है और 9th बीट पे कम वेट आ रहा है, 9th बीट आएगी, देखा वेट चले गया उसका, तो वो खाली होती है। संगीत केवल मात्र मनोरंजन का जरिया नहीं है, ये तो मानव जीवन की उच्चतम अवस्था में पहुंचने का सरलतम माध्यम है।
संगीतमय चिन्मय के साथ जुड़कर आप भी अपने जीवन को संगीतमय, भक्तिमय, आनंदमय और मस्तीमय कर सकते हैं। घर बैठे बैठे आप म्यूजिक सीख सकते हैं और आपका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं, वो भी क्वालिफाइड टीचर्स से। तो फिर देर किस बात की, चाहे बांसुरी सीखनी हो, वायलिन सीखना हो, गिटार सीखना हो, पियानो सीखना हो, तबला सीखना हो, सिंगिंग सीखनी हो, आप ये सब कुछ सीख सकते हैं। तो फिर ज्यादा मत सोचिए, जल्दी से कॉल लगाइए, एडमिशन लीजिए और हाँ, अपने परिवार वालों को और दोस्तों को भी जरूर बताइए। मस्त रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद और जय भारत।